हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेत्रवाल पढ़ाता नहीं हूं, सीधा याद ही करवाता हूं। दोस्तों दिन दहाड़े कैमरे के आगे सफेद झूठ सफाई से किस प्रकार बोला जाता है यह हमारे नेताओं से सीखा जा सकता है। दोस्तों मैंने बड़ा दुर्भाग्य है हमारे राजस्थान का कि लगातार वो इस प्रकार के लॉलीपॉप देते रहे हैं, 70,000 से बढ़ा के 1,00,000 कर दो, वर्गीकरण नहीं देते हैं दोस्तों। और मैं आज सभी टीचर लॉबी से गुजारिश करूंगा कि ये मजाक का वक्त नहीं है। सरकार मजाक कर रही है, अपना काम कर रही है, लेकिन टीचर लॉबी इसका मजाक ना बनाए। अब टीचर लॉबी एकजुट होकर के इस बात के लिए आवाज उठाए कि इन पदों का वर्गीकरण होना चाहिए। ये कैमरे के आगे बारंबार ट्वीट करके जो सफेद झूठ बोला जाता है ये नहीं चलना चाहिए। सोशल मीडिया में वो पावर है जो बड़ी बड़ी हुकूमतों को घुटनों पर ला सकती है। बस मिलकर के आवाज उठाने की जरूरत है। इस मुहिम में दोस्तों मजाक नहीं, भर्ती नहीं, विज्ञप्ति दो। इस मुहिम में सभी टीचर और स्टूडेंट का मैं साथ चाहता हूं, क्योंकि जब जब स्टूडेंट पर आना चाहिए, चाहे वो पेपर आउट का मामला हो, चाहे कोई और हो, दोस्तों मैं हमेशा आवाज प्रखर रूप से उठाता रहा हूं। और आज फिर कह रहा हूं, सुन लो भजनलाल सरकार, ये नहीं चलने वाला है। ये मुहिम अब एक मतलब वीडियो सबको बनाना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी अपने टीचर से रिक्वेस्ट करना, शेयर करना, और ये बात जो है ये दोस्तों भजनलाल सरकार तक जानी चाहिए। आप एक एक अगर कोई दुर्घटना होती है, कुछ भी अनहोनी होती है, कुछ आपदा होती है, अगर एक आदमी भी मुसीबत में होता है तो आप उसके लिए सारा सिस्टम लगा देते हो। यहाँ पे लाखों बच्चों का सपना मर रहा है, लाखों बच्चे मुसीबत में है, कहां का किस किस कंडीशन में फंसे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, तुम्हें अंदाजा भी है? बिल्कुल अंदाजा नहीं है तो तुम क्यों नहीं अपना सिस्टम लगा सकते? सिर्फ इतना सा सिस्टम आपको बनाना है कि ये 1,00,000 भर्तियां जो हम कह रहे हैं इस प्रकार से, इस डिपार्टमेंट में इस तारीख से ऐसे ऐसे होनी है, बस इतना सा करना है। इसके लिए तुम्हें कोई बड़ा जमावड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, एक अधिकारी को ऑथराइज करना है, समझ लीजिएगा इतना सा, डिपार्टमेंट का कोई भी एक तुम्हारा सेक्रेटरी पकड़ लो और भाई साहब तुम कर दो ये काम, या आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड को भी दे दो, वो कह देंगे कि हम ये भर्ती कैलेंडर वाइज करवा रहे हैं। तुम समयबद्ध चरण की बात करते हो, तुमने जो आरपीएससी का कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर देने की बात पिछले बजट में कही थी, उससे भी तुम सरेआम कर गए हो यार। तुम अब उसकी भी बात नहीं कर रहे हो, तुम कह रहे हो समयबद्ध तरीके से। अरे समयबद्ध क्या होता है, वार्षिक कैलेंडर की बात करके तुम समयबद्ध पे आ गए, ये तो डिमोशन हो गया, प्रमोशन कहां हो रहा है, कुछ भी गुमराह करोगे तुम भाई, ये नहीं चलने वाला है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं सभी टीचर से, ये बहुत गंदा मजाक किया जा रहा है ना, इससे वाहियात मजाक नहीं हो सकता। कुछ टीचर भी मजाक बना रहे, ये मजाक बनाने का टाइम है, उस बच्चे की मनोस्थिति समझेगा जो 3-4 साल से बाहर रह के पढ़ाई कर रहा है, पिछली भर्ती में आधा एक नंबर से रह गया। मुझे पता है मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी मैं तो तैयारी छोड़ रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, घर वाले पूछ रहे अब क्या करेगा, फलाना करेगा, ढिंकाना करेगा, 1,00,000 का वर्गीकरण नहीं हुआ। देखो भाई पहली बात, डिमोटिवेट होने की तो जरूरत नहीं है, अगर उन्होंने 1,00,000 का बोल दिया है तो विज्ञप्ति तो आना है। अब देर आएगी, 1 महीने लेट आएगी, पहले आएगी, उसे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो हमेशा ऐसे कहता हूं कि जो पढ़ेगा वो पाएगा, क्योंकि पिछली भर्ती भी दोस्तों आगे चली गई, आप सभी को पता है युवाओं का दर्द, सुनो सरकार दर्द में है, लेकिन पिछली भर्ती आगे चली गई, तब भी तुम लोगों ने बहुत सारे थे जो इंतजार कर रहे होंगे, वो आके रिजल्ट आगे चली गई, ज्वाइनिंग हो गया, क्या मिला, जो पढ़ेगा वो पाएगा। तो जो आज पढ़ेगा वो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं सभी टीचर लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सरकार पे प्रेशर बनाया जाए। अब ये क्या हो रहा है, मदन दिलावर साहब शिक्षा मंत्री साहब, मैं सरेआम कह रहा हूं तुम जो चाहे जो कर लो भाई साहब, और सब सबको पता है कि ट्वीट कर दिया कि हमने ये भर्तियां दे दी, ये ज्वाइनिंग कर दी, ये विज्ञप्ति निकाल दी, फलाना ढिकाना, उसको डिलीट करना पड़ गया। बताओ सरकार के इतने उच्च ओहदे पर बैठा आदमी अगर ट्वीट करके डिलीट करेगा तो फिर कैसे देश चलेगा, कैसे राज्य चलेगा, किसके भरोसे चलेगा है? अरे भाई कुछ तो थोड़ा सा तो होगा तुम्हारा स्टैंड कि तुम कर क्या रहे हो, कुछ भी लिख के कुछ भी डिलीट कर दोगे तो बच्चों वाला खेल हो गया, बच्चा भी नहीं करता भाई साहब, एकदम लेला मजनू होते हैं जो प्यार में होते हैं ना, वो भी ऐसी हरकतें नहीं करते कि एकदम स्टेटस लगाया या डिलीट कर दिया, वो भी थोड़ा सोचते हैं कि डिलीट ना किया जाए अगर लगा दिया जाए तो। यहाँ पे तो बड़े बड़े भविष्य के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करके ट्वीट डिलीट कर दिए जा रहे हैं, अरे वाह भाई साहब, ये तो लेला मजनू से भी बहुत बुरी बात हो गई। ऐसा नहीं चलता यार राजस्थान, है ना। और तुम्हें लगता है कि 1-2 लाख बच्चे होंगे, नहीं 20-लाख बच्चे हैं जो इस आस में बैठे हैं कि सरकारी नौकरी लगेंगे, तुम्हारी तरह नेता नहीं बन सकते, बार बार रोड पे रोड चढ़ा करके घोटाला करके अपना परिवार घर नहीं चला सकते, वो मेहनत के बल पर सरकारी नौकरी लग करके अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो प्लीज मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा मोटे मोटे टीचर से, हालांकि मैं उनके आगे बहुत छोटा हूं, लेकिन वो मजाक ना बनाए, बात को सीरियसली ले, बात सरकार तक पहुंचाए, और ये पहुंचेगी अगर आवाज उठाई जाएगी तो सबको। तुम्हें क्या लगता है, हर एक टीचर का वीडियो, आप सभी को पता है सरकार की एक टीम होती है जो जो भी
एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, उन सबको चेकआउट करती रहती है सरकार की टीम, तो उन तक बात जाती है, सुनाई देती है। और अगर युद्ध स्तर पर बड़े लेवल पर उठाए जाए, लगातार वीडियो बनाए जाए, तो सरकार तक आवाज जाती है। और हमारी तो इतनी सी मांग है कि भाई साहब ये भर्ती का लॉलीपॉप मत दीजिएगा, ये भर्ती नहीं चाहिए हमें, 1 लाख दे देंगे, 4 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, ये तुम अपने जेब में डालो, हमें तो विज्ञप्ति जारी करो कि ये नोटिफिकेशन आ गया है, 10,000 की फर्स्ट ग्रेड है, 10,000 की सेकंड ग्रेड है, 20,000 की रिट है, 1,000 की सब इंस्पेक्टर, 1,000 की आरएस, पटवारी, वीडियो, लेबर असिस्टेंट, जो भी है सारी भर्तियां वो इस प्रकार से हम कैलेंडर वाइज कराएंगे। क्या समयबद्ध क्या है? अब ये 1 लाख कब करवाओगे तुम, है ये 1 लाख कब करवाओगे यार, है कुछ है जवाब? तुम्हारे ट्वीट तक डिलीट हो जाते, तुम क्या जवाब दोगे यार? कभी तुम कहते हो कि हम 50% आरक्षण देंगे, कभी कहते हो रिट में देंगे, कभी कहते हैं रिट और सेकंड ग्रेड लेवल फर्स्ट में, और लेवल सेकंड में नहीं देंगे, फर्स्ट में देंगे, क्या चल रहा है? मतलब ये तो बांटो राज करो की नीति हो गई कि पहले महिला पुरुष को लड़ा दो, फिर लेवल फर्स्ट और सेकंड वालों को लड़ा दो, बांटो राज करो। ऐसा नहीं चलेगा यार, कब तक चलेगा ऐसा, ना ऐसा नहीं करना चाहिए। ये 1 लाख भर्ती तुम कब करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो, किस किस पोस्ट पे करवा रहे हो, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। हालांकि ये बजट में नहीं बताया जाता है, कुछ बच्चे पैनिक हो जाते हैं, है ना, थोड़े है ना निराश हो जाते हैं, लेकिन ये बजट में कभी बताया भी नहीं जाता है, वर्गीकरण नहीं किया जाता है। प्राचीन सदियों से है ना, हड़प्पा सभ्यता से बजट आ रहे हैं और 70 साल से तुम आजाद भारत के बजट देख रहे, बजट में कभी भी वर्गीकरण नहीं होता है, ऐसा ही कहा जाता है कि 70,000 आएगी, 1 लाख आएगी। लेकिन अब तो इंतहा हो गई इंतजार की भाई, 2 साल से सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, बच्चे कब तक तैयारी करें ये बताओ, ये पता तो तभी चलेगा ना। तुम्हें पता है, तुम कह रहे हो कि खिलाड़ियों को मेस भत्ता 4,000 मिलेगा, फलाना भत्ता 3,000 मिलेगा, अरे वो लड़का या लड़की जो बाहर रह रहा है, जयपुर जैसे शहर में, सीकर जैसे शहर में, या घर से बाहर कहीं भी रह रहा है, और घर पे नहीं भी रह रहा है, तो जो बाहर रह रहा है उसका तो 10,000 महीने का खर्चा हो रहा है। जब तुम 4,000 एक खिलाड़ी को 4,000 दे सकते हो मैच के लिए, जो शायद उसके पास तो कोई इनकम भी होगी, कहीं से कुछ कर रहा होगा, एक बेरोजगार युवा 10,000 रुपए का जुगाड़ कहां से कर रहा है, उसको कोई मेस भत्ता नहीं दे रहा है ना। मतलब तुम्हारी विचारधारा देखिएगा, तुम मेस भत्ता देना भी चाहते हो और उनको दे भी रहे हो, और लाखों बेरोजगार युवाओं को ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ दे रहे हो कि तुम खोपचे में बैठ के 10,000 कहीं से भी जुगाड़ करके तैयारी करते रहो, कहीं, अरे शर्म की बात है भाई, कहां का वेलफेयर, ये वेलफेयर स्टेट की उदाहरण कहां गई तुम्हारी, कल्याणकारी राज्य ये होता है, कतई नहीं होता। अगर इस प्रकार की आपकी विचारधारा है तो भाई भर्ती दीजिएगा, ये मजाक कतई नहीं चलेगा। इस मुहिम में सभी टीचर और स्टूडेंट को भाग लेना पड़ेगा। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, 1 लाख की भर्ती उन्होंने घोषणा कर दी है, मैंने बताया भी कि किस किस प्रकार से वैकेंसी आनी है। दोस्तों रोडवेज में 2,000 की भर्ती है, नर्सिंग स्टाफ की 5,000 की भर्ती है, वन गार्ड की 2,000 की भर्ती है, ठीक है, पुलिस में 5,000-5,500 की भर्ती है, ये तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, और बाकी 1 लाख पद ऐसे ही छोड़ दिए गए। तो संभवतः ये है कि वैकेंसी तो आनी है, क्योंकि 2 साल से सूखा पड़ा है, फर्स्ट ग्रेड भी आनी है, सेकंड ग्रेड भी आनी है, थर्ड ग्रेड भी आनी है, लेकिन कैसे आनी है, कितने पदों पर आनी है, कब कराओगे, वो समयबद्ध चरण आप बताएगा, कैलेंडर बताएगा, इस बात की हम लगातार डिमांड कर रहे हैं। भाई मैं जायज मांग उठा रहा हूं तो कमेंट ठोक दियो और इस सेशन को शेयर कर दियो। मैं किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मेरे कोर्सेज का, कोर्सेज बेच लेंगे बहुत, है ना, बहुत टाइम है, लेकिन उस युवाओं को, और बिकता भी उसी का है जिसमें दम होता है ना, कुछ लोग आ जाएंगे अभी कि कोर्स बेचने आ गया, ये आ गया, फलाना आ गया, देख जिसको देखना वही चीज है तो वही देखेगा, है ना। कोर्स बेचना होता तो मैं सीधा उसी पे बात करता, और कोर्स पे तो ऑफर चल रहा है वैसे, अभी लगा दिया मैंने 13 जुलाई तक लगा दिया, लेकिन कोर्स बेचने का मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा ऐसे ही बिकता है, ठीक है, क्योंकि कोर्स की बात ही नहीं है यहां पे, बात है क्योंकि मुझे पता है दर्द, मैं खुद दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करके आया हूं, उस चरण से गुजरा हूं, मुझे पता है कैसे घर वाले पैसे भेजते हैं, है ना, शर्म सी आ जाती है एक तारीख आते ही कि किस प्रकार से मम्मी को बोले, पापा को बोले, किसको बोले, है ना, मैसेज छोड़ दिया जाता है कि पैसे खत्म हो गए, जो वो शर्म जो है मैं फील कर पा रहा हूं किस प्रकार से होता है। और उस उम्र में जब हम 25 के हो, 30 के हो, एक हट्टा कट्टा शरीर हो, कमा सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन इस आस में लगातार तैयारी कर रहे होते हैं कि नौकरी लगेगी सरकारी, है ना, तो इसलिए मैं फील कर पा रहा हूँ, इसलिए बता पा रहा हूँ ना। फिर भी कुछ लोगों को कुछ गलत कमेंट ठोकने हैं तो आदत से मजबूर अपने संस्कारों का प्रदर्शन कर सकते हैं, वो उनको खुली चेतावनी और हर जगह अपवाद होते हैं, ऐसा कहीं नहीं है ना। लेकिन मेरा फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी टीचर लोबी से, सभी स्टूडेंट से, इस वीडियो को शेयर करना, आगे से आगे पहुंचाना, अपने टीचर से रिक्वेस्ट करना, जहां से भी जिनसे भी तुम जुड़े हो कमेंट में करना कि एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल सर जो आज उठा रहे हैं कि भर्ती नहीं विज्ञप्ति दो, इस बात पे अमल कर करके सभी रिक्वेस्ट करें। इतना मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, इसमें ना मेरा भला है ना किसी और का भला है, पूरे के पूरे एक एजुकेशन इंडस्ट्री का भला समझ सकते हो आप, ठीक है, एक जो बच्चे जो हैं वो जिस मझधार में फंस गए हैं, 2 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है, तो वो भी एक, क्योंकि दोस्तों आगे एग्जाम डेट दिखता है, एग्जाम तारीख दिखती है तो तैयारी करने का मन करता है,
कि 8 महीने बचे हैं, प्रॉपर रणनीति बना लेते हैं कि 3 महीने में ऑप्शनल करना है, 3 महीने में जीके करना है, तो उस हिसाब से वो बच्चे चलने लगते हैं। अब तुम यहाँ पे कुछ नहीं बता रहे हो कि कब एग्जाम कराएंगे, कम से कम यही बता देते कि ये जो 1 लाख भर्ती है उसको हम अगले साल 31 मार्च से पहले पहले एग्जाम करा लेंगे तो बड़ी खुशी होती है हमें। तो हमें लगता है कि चलो 8 महीने हैं, 6 महीने हैं, तो हम लगातार बच्चों को उतनी ही मेहनत करवाते। हालांकि मेहनत में हम फिर भी कोई कमी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि देर सवेर वैकेंसी आएगी तो उन्हीं का सिलेक्शन होना है जो आज पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी बच्चों का एक मेंटेलिटी, बच्चे तो बच्चे हैं, टीचर की तरह अगर बच्चे सोचते तो फिर किसी को गाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ जाती है ना। तो बच्चों को भी थोड़ा सा, अब हम कहेंगे तो कुछ बच्चे मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, तो ये सरकार का काम होता है कि उन बच्चों का जो अवसाद की, अब वो कहते हैं कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, फलाना कर रहे, ढिंकाना कर रहे, उसके लिए पता नहीं नशा मुक्ति केंद्र बना रहे, फलाना कर रहे। अरे भाई ये नहीं दिख रहा तुम्हें जो 20-20 लाख बच्चों को तुम लगातार बर्बाद कर रहे हो, इसके लिए तुम मतलब कहाँ गया तुम्हारा भेजा? तुम्हें पैसे देने, पैसे तो तुम्हें वैसे ही देने हैं सैलरी के, और तुम अपने जेब से दे नहीं रहे। सुबह से लेकर शाम तक हम टैक्स पे करते रहते हैं हर चीज पे, जो मैं बोल रहा हूँ इस पर भी टैक्स लग रहा है, आपको पता है ना। तो जब हम टैक्स दे रहे हैं, हमारा पैसा तुम्हें वापस हमें लौटाना है, तो तुम्हें कहाँ जोर आ रहा है? और अगर जोर आ रहा है तो फिर वादे कहाँ करते हो तुम कि 4 लाख देंगे, 1 लाख देंगे? 4 लाख बहुत बड़ी भर्ती होती है, अगर उसका तुम 50% भी दे पाए ना तो बड़ी उपलब्धि होगी। अगर 50% को भी ज्वाइनिंग दे पाओगे तो वही दे दो तुम, तो 2 लाख ही दे दो, 4 लाख नहीं चाहिए। 5 साल में 2 लाख भी दे दोगे तो बड़ी भर्ती होती है, लेकिन 2 तो सही भाई, है ना। तो दोस्तों RCET का देखो आरक्षण का मामला जो है आपने देख लिया, 50% आरक्षण पे उन्होंने लगातार बात की है, हालांकि हाईकोर्ट में जो मामला रहे मुझे नहीं पता। उसके बाद दोस्तों CET का मामला है, तो CET में दोस्तों 50% या 40% या 15%, तो ये दोस्तों बजट की बातें नहीं होती है, ये अलग से कहे जब सरकार का डिसीजन आता है, अधीनस्थ बोर्ड का जो रिकमेंडेशन आती है उस हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, और दोस्तों एक फिर बड़ी बात, जिला में कह रहा था कि 50 के 50 जिले रहने हैं, वो 50 के 50 जिलों के अकॉर्डिंग एक एक उत्पाद जो सिलेक्ट किया गया है आर्थिक समीक्षा में, वो डाटा आ गया है। मैं डाटा आर्थिक समीक्षा का भी और बजट का आपको याद कराऊंगा। मैं जो कह रहा था वही हुआ है कि 50 के 50 जिले रहने हैं, 50 जिलों का एक एक उत्पाद सिलेक्ट करके आर्थिक समीक्षा में डाला गया है, तो वो भी मैं आपको याद कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो इस मुहिम को सपोर्ट करिएगा दोस्तों, और जिसको भी जीके याद गारंटी पे ज्वाइन करना है, आज से लेकर के 13 जुलाई रात 12 बजे तक का ऑफर है, तैयारी शुरू कर देना। जो अभी पढ़ेगा उसका तब सिलेक्शन होगा जब वैकेंसी आएगी, वरना आकर के फिर निकल जाएगी, फिर 2030 वाला बजट भी देखते रहना कि वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो सभी दोस्तों से, सभी टीचर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज भर्ती नहीं विज्ञप्ति दो, इस पर अमल किया जाए, प्रेशर बनाया जाए, वीडियो बनाया जाए, मांग रखी जाए, सुनाई देती है अगर सुनाने वाला हो तो दोस्तों, ना बहनों को धमाके की जरूरत होती है। अब धमाका हमारे पास, वो धमाके वाला तो धमाका नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की पावर सब वाकिफ है उससे, ना सोशल मीडिया अच्छी अच्छी हुकूमतों को झुका सकता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, इतना करिएगा। बाकी मिलते हैं कल शाम को, कल 11 जुलाई को रात 8:30 बजे जीके याद गारंटी बैच में, जो नए भूगोल की 25 क्लास याद हो चुकी है उनका टेस्ट लाइव यूट्यूब पर 8:30 बजे लिया जाएगा कल 11 जुलाई को, ठीक है। तो कोई भी जुड़ना मत भूलिएगा, देखना है, लिंक नीचे दे रखा है जीके याद गारंटी बैच का, जाके ज्वाइन करके देखना शुरू करिएगा दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी टीचर से गुजारिश करूंगा, प्लीज हेल्प, ठीक है, बच्चों की हेल्प, अपने आप की हेल्प, ठीक है। थैंक यू।